सो आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएसडी इन R15 वर्जन 2 वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम लोग यूएसडी लगाने वाले एक बाइक में R15 वर्जन 2 में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम लोगों ने स्पीडोमीटर सारी जो भी प्रॉब्लम थी यूएसडी के रिलेटेड एकदम प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया और उस बाइक में हम लोगों ने यूएसडी लगाया, प्रॉपर आपको बिल्ड बताया लास्ट तक बाइक का, आपको लुक भी बताया किस तरीके से आ रहा है यूएसडी के साथ एंड बॉडी किट के साथ। आप लोग ने बहुत लोग ने प्यार किया उस वीडियो को, बहुत अच्छा लगा मेरे को उसका जो रिस्पॉन्स था वीडियो का। तो इसलिए हम लोग जो एक और बाइक बना रहे और जब वो आई बाइक आई तभी मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें हम लोग यूएसडी लगाने वाले। तो आपको बता दो अभी इस बाइक में क्या क्या काम हो चुका है, तो कंटिन्यू करते इस वीडियो को। सो एज यू कैन सी हियर इस बाइक में भी हम लोग ने यूएसडी लगाया है जैसे कि अपने सूरत वाली बाइक में लगाए थे। ये बाइक जो है महाराष्ट्र से आई है और आप लोग को बताता हूँ सेम वही चीज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे R15 वर्जन 2 का स्पीड सेंसर है और यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्टेंस लगाया है। प्लान ऐसा था कि इसमें डमी डिस्क लगाएंगे बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड सेंसर है। अगर डमी डिस्क लगाएंगे तो स्पीड सेंसर में थोड़ा सा इशू होगा और अभी मेन कंसर्न फिलहाल यही है कि गाड़ी जब चले तो उसका स्पीड बताना चाहिए, इसलिए हम लोग ने जो है डमी डिस्क नहीं लगाया। मैं कस्टमर से भी बात कर लूँगा, वो चीज़ से बात करना बाकी है। एंड दूसरी चीज़ अभी यूएसडी को हम लोग गोल्डन रैप करेंगे। अब आप बोलोगे रैप क्यों करे हो, कलर ही कर दो, बट कलर में क्या होता है हम लोग को जब भी यूएसडी एडजस्ट करना पड़ता है तो रैप उखड़ गया तो चलो फिर से कर भी लगा सकते हैं और इतना कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। और अगर हम लोग ने कलर कर दिया तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा बार बार पेंट करने का और लगाने टाइम तो स्क्रैच आना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब कभी भी आप लगाओगे कोई भी चीज़ को यूएसडी को तो स्क्रैच आता ही आता है, तो वो चीज़ है। इसलिए हम लोग जो है इस पर रैप करेंगे पूरा। एंड टर्निंग रेडियस की बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो पूरा टर्न हो जा रहा है एंड इतना गैप बच रहा है। तो अभी क्या करेंगे इस पर वेल्ड करेंगे अपने आप पे एक नट ताकि कि यहाँ पे फुल टर्न हो जाए और टैंक वैंक कवर सब बॉडी किट इंस्टॉल करने के बाद वो चीज़ करेंगे क्योंकि अगर पहले ही इस पर अगर हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर दी तो हम लोग का जजमेंट नहीं आएगा टैंक कवर का, तो वो चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। साइड क्वार्टर पैनल पूरा इसमें लगेगा, डेल्टा बॉक्स फ्रेम कवर एंड एग्जॉस्ट इसमें स्टॉक ही रहने वाला है। हम लोग ने इसमें ब्रांड न्यू टायर्स लगाए और ये है 110 सेक्शन के MRF के टायर्स एंड रेयर में भी MRF के 150 सेक्शन के टायर्स है। ये मेरे को 7000 रुपीज़ का पड़ा। ये 150 सेक्शन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूज लग रहा है, ये इतना बड़ा है ये एंड 180 के हिसाब से इतना सा ही कम है क्योंकि वर्जन 2 का मैक व्हील छोटा है। आप इसमें कितना भी बड़ा टायर लगा लो बट एक जो उसका मैक्सिमम साइज़ है ना उतना ही दिखेगा, तो ये वो उसका मैक्सिमम साइज़ है। और 160 लगाओगे तो भी इतना ही बड़ा दिखेगा, 150 लगाओगे 180 लगाओगे तो भी इतना ही बड़ा दिखेगा। ऐसा हल्का सा फ़र्क आता है बट इतना मैसिव फ़र्क नहीं आता है और वो चीज़ है। और इसका टेल टडी सब रिमूव करेंगे अपने और कस्टम टेल टडी भी इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ब्रैम्बो की किट इंस्टॉल करने वाले हम लोग, तो अभी ये ब्रैम्बो की किट इसमें हम लोग ने अभी लगा दिया है। ये क्लच है एंड यहाँ पे जो अपना ब्रैम्बो का मास्टर सिलेंडर किट आएगा। KTM का हम लोग ने फ्रंट में मैकविल यूज़ किया है, इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी का जो डिस्क कितना बड़ा दिख रहा है और साथ ही में अपना कैफे रेसर में भी हम लोग जो है KTM का ही पूरा फ्रंट सेटअप यूज़ कर रहे हैं और इसका भी प्रॉपर एक वीडियो आएगा, अगला एपिसोड आएगा। थोड़ा सा इशू हो रहा है वो चीज़ में, आगे वाले में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि पूरा ऑल्टरेट पे बाइक है, मतलब बाइक का एक एक चीज़ ऑल्टरेट कर रहे और चेसिस हम लोग ने फिर से रीडिज़ाइन किया। आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से कटिंग एंड वेल्डिंग की है, यहाँ पे भी कटिंग एंड वेल्डिंग की है और सस्पेंशन भी हम लोगों ने चेंज करके FZ का सस्पेंशन लगाया। अभी ये सारी चीज़ आप देख रहे हो एकदम फिनिशिंग में आ जाएगी, तो इतना कोई ऐसा लगेगा अगर नहीं कि इसमें वेल्डिंग वेल्डिंग हुआ है, एकदम प्रॉपर जैसे कंपनी की फिनिशिंग रहती है उसी सेम फिनिशिंग अपने कर देंगे ग्राइंडर से और वो सब ग्राइंडर का ही काम रहता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक और बाइक रखी हुई है R15 वर्जन 3, इस पर थोड़ा सा कुछ यूनिक करने की कोशिश करें हम लोग। तो यहाँ पे आपको फ्रंट का थोड़ा सा एडजस्ट करके बता दो आपको किस तरीके से दिख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक S1000RR और थोड़ा सा टाइम लगेगा वो चीज़ में, वो अपने रेक्सा 3.0 के बारे में सोच रही है ये चीज़ S1000RR को। एंड कुछ हद तक तो इसका फ्रंट का सेक्शन वैसा लगता ही है, यहाँ पे आप देखो कुछ इतना हम लोगों ने डेवलप किया और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो चीज़ करने में, तो वो अपने थोड़े धीरे धीरे करेंगे और वीडियो में एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और उसी के साथ यहाँ पे सारी बॉडी किट रखी हुई है अपनी R15 वर्जन 4 एंड ये बाइक देख रहे हो ये बाइक भावनगर से आई हुई है। आज इसमें भी जो है किट इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है, वायरिंग में कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसका वायरिंग एकदम प्रॉपरली नहीं हुआ है, पूरा वायरिंग इसका बोल सकते हो कि फिर से खोल के किया गया है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा बट इसके वायरिंग में प्रॉब्लम लगता है मेरे को। तो इसका वायरिंग का इशू भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है लाइट के रिलेटेड तो उसको भी सॉल्व करना है एंड साथ ही में इसका जितना भी रिलेटेड जो भी वायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम था, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल पंप सब क्लीन कर दिया है
तो इस पे भी जो है बॉडी किट इंस्टॉलेशन आज देखने मिल जाएगा आपको, कि इस पे हम लोग जो है धीरे धीरे करके बॉडी किट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो टैंक, टेल, साइड पैनल, क्वार्टर ग्लास वो सब आज बिठा देंगे, एंड फ्रंट का जो है अगली वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। फ्रंट टायर भी इसका चेंज करना है, एंड इसमें कुछ इतना मैसिव हम लोग कुछ कर नहीं रहे, बस बॉडी किट इंस्टॉल कर रहे और जो एसेसरीज आती वो इंस्टॉल कर रहे, एग्जॉस्ट और टायर्स इतना कुछ इसमें बल्कि नहीं कर रहे, यूएसडी भी नहीं लगा रहे, यानी एक बजट बिल्ड है। आसपास समझ लो अगर आपका बजट 60-50,000 के आसपास का है देन इट विल वर्क फॉर यू, और ये बाइक जैसी बनेगी आप लोगों को आई होप पसंद आएगी, क्योंकि इसे कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये भावनगर से आई हुई बाइक है, एंड इस पर कम्प्लीट किट आज बिठना चालू हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है विद पेंट, ऐसे तो फुल किट नहीं सप्लाई कर रहे, बट टैंक टेल अगर आपको चाहिए विथ पेंट तो अभी हम लोग जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कस्टमर का है, ये भी जो है आज डिस्पैच होगा, टैंक एंड टेल दोनों टेल उधर रखा हुआ है। और यहाँ पे बॉडी किट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, और टैंक लग चुका है, साइड पैनल और हेड अभी धीरे धीरे लगेगा, और वह जैसे आप लोग को बोल रहा था कि टर्निंग रेडियस हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर टच हो रहा है। तो इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस बाइक को एकदम प्रॉपर बनाने की, टैंक वैंक कट करना पड़ेगा तो करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है मेरे को उससे, बट एकदम प्रॉपर बननी चाहिए बाइक। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ करके इस पर इंस्टॉल करते, एंड फिर जैसे ही पूरा इस पर किट इंस्टॉलेशन होता है फिर भावनगर वाली पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते, तो पहले इसको कम्प्लीट करते हैं। मैंने कल अपलोड किया था, बहुत सारे किट्स के ऑर्डर आ रहे हैं मेरे को, एंड अब में से कुछ लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है किट किस तरीके से ऑर्डर करना है, तो वेबसाइट पर भी आप जाके परचेस कर सकते हो www.mac46store.in पे, एंड साथ ही में आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। और यहाँ पे सारी किट रखी हुई है, मैंने पूरी बल्क में बना ली, अगर आपको चाहिए तो वन शॉट पेमेंट करो और जो है आपको किट मिल जाएगी, और एकदम प्रीमियम क्वालिटी, ऐसा नहीं कि जो वन लेयर आता है, 3 लेयर फाइबर ग्लास है, और मार्केट से आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। रेट थोड़ा सा हाई है अपना, बट क्वालिटी है अपने पास, इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी प्रीफर करता हूँ कि आप बाइक में एक ही बार लगा रहे हो तो रेट का इतना मत देखो, बस क्वालिटी देखो, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल बाइक है, तो जितना हो सके उतना क्वालिटी प्रोडक्ट इसमें लगाने की कोशिश करो। तो अभी सारी किट इंस्टॉलेशन होती है, किट इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद जो है अपने वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो टैंक कवर लगाने के बाद हम लोग ने साइड का एडजस्टमेंट किया है, फिलहाल हम लोग ने टैंक को काट दिया है और अच्छा खासा काटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना कट किया है, एंड इसको फिर से फैब्रिकेट करेंगे। यहाँ पे टर्न लेंगे तो अभी देखो पहले से रेडियस कितना बढ़ चुका है, पहले इतना ही रहता था बट अभी इतना बड़ा है, पर आप लोग इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट अब जब रियल वर्ल्ड में इसको चलाओगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आपको जगह पर टर्न लेना तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। यहाँ से काटा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा काटा है, और सेम हम लोग इधर भी वही कर रहे हैं, यहाँ से भी ग्राइंडिंग स्टार्ट किया है मैंने, और ये वाला हिस्सा भी काटेंगे। खाली ये करना पड़ता है कि जब आप USD बिठाओगे, सादे में ऐसा कुछ ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बैठ जाता है, बट अगर आप जब USD बिठा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला भी हिस्सा जो है टच हो रहा है, तो अपने को यहाँ से भी कट करना है, और यहाँ ये भी थोड़ा सा आपको अपने को कट ऑफ कर देना जैसे इसको किया, एंड ये फिर से इस पर हम लोग जो है पूरा फाइबर ग्लास से कर देंगे कवर, तो एकदम प्रॉपर हो जाएगा ये। तो ये चीज़ मैं कर लेता हूँ और टेल बिठाता हूँ, उसके बाद जो है अपने भावनगर वाली गाड़ी पर किट इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। सो जो टर्निंग की प्रॉब्लम थी वो हम लोग ने सॉल्व कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे फुल टर्न ले रहा हूँ तो एकदम प्रॉपरली टर्न हो रहा है, और ये जो हिस्सा हम लोग ने ग्राइंड किया था वो अपने को हेल्प कर रहा है अभी फिलहाल, देख सकते हो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये फुल टच हो जा रहा है इस पर, एंड आगे स्टॉपर बना देंगे अपने, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये एकदम प्रॉपरली फुल टच हो रहा है। अभी दिक्कत बस यहाँ पर हल्की सी ये आ रही है कि यहाँ पर ये टच हो रहा है हल्का सा, तो अभी से वो सोल्यूशन निकालेंगे, या तो ये वाला ब्रेक को चेंज करके दूसरा वाला ब्रेक आता है वही इस तरफ लगाएंगे, तो वो भी अपने पास पड़ा हुआ है तो वो लगा देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा ये। एंड दूसरी चीज़ हेड भी हम लोग ने यहाँ पे फिट कर दिया है, और इस बार एकदम प्रॉपर फिटिंग हुआ है देख सकते हो, क्योंकि हम लोग ने टैंक को ग्राइंड कर दिया है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये फुल टर्न रेडियस अपने को मिल रहा है, एंड आगे से भी आप देख सकते हो कितना टर्न हो रहा है, पहले खाली इतना रहता था इतना, बट नाउ यू कैन सी कि इतना ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला अपने को। और प्रोजेक्टर्स वो सब बाद में लगेंगे, तो अभी दोपहर हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है, अपने लंच करके आते हैं एंड इसके ऊपर फिर काम करते हैं। सो लंच ब्रेक हो चुका है कंप्लीट, एंड हम लोगों ने कुछ ये पट्टी बनाई है, ये वाली पट्टी वेल्डिंग करके 10-2 होल किया ताकि कि अंडरबेली को हम लोग फिट कर पाए, तो अभी इसको एक तरफ से फिट करेंगे, उसके बाद इसको पकड़ के हल्का सा खींचेंगे तो ये बाहर आएगा, ये यू टाइप बनेगा और अपनी अंडरबेली जो एकदम ईजिली इसमें फिट हो जाएगी। और इस तरफ से भी हम लोगों ने अंडरबेली को बिठा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इसका भी पट्टी बनाना बाकी है, बट यू कैन सी बाइक कितनी ज़्यादा बल्की लग रही है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है जो फर्दर आपको बताएंगे हम लोग, मतलब जितनी बॉडी किट इंस्टॉल की उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा भी गैप नहीं है, ये वाला भी एकदम प्रॉपरली फिट हो चुका है, और टर्निंग रेडियस सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि पिछले वाले USD से ज़्यादा टर्निंग रेडियस है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो, और लास्ट टाइम वाले में खाली इतना ही था, और इसमें हम लोग हल्का सा बढ़ा है, बट
वो काम करेगा रास्ते पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड जब तक भाविक भाई जो है उसमें फिट कर रहे, अपने इसका फिटिंग स्टार्ट करते, टैंक कवर इसमें लगाते, टेल पैनल इसमें लगाते और जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम कर रहे उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते, तो वो मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो है आप लोग को मिलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा रस्टिंग है अंदर, ये हम लोगों ने खोलने की कोशिश की पर अंदर से ये सड़ चुका है और रस्ट देखो इसमें से, और ये सेल्ट का डेल्टा बॉक्स फ्रेम कवर पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा जैसे आधा सड़ चुका है, तो इसको स्पॉट रिपेयर करना पड़ेगा अपने को। ये देखो ये पूरा अंदर पूरा जंग से भरा हुआ है ये, और ये जंग कहाँ से आया है, पूरा अंदर से खोखला हो चुका है ये। तो अभी वही देखने का है कि कितना ज़्यादा डैमेज है। वैसे तो अभी ये इधर खोखला नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सड़ गया है। ये रिमूव करते हैं एंड इसमें टैंक टेल एंड वो साइड का साइड पैनल तो लगा दिया, बट ये साइड का करने के लिए आप देख लो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रहा था। अब इसको यहाँ से ग्राइंडर से काट देंगे एंड फिर देखेंगे क्या अंदर, मतलब कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है चेसिस को, और फिर देखेंगे क्या सीन है। पूरे हाथ की वाट लग चुकी है और ये खोल दिया हम लोग ने, बट क्या किया यहाँ से हम लोग ने पेच का सटकाया और फिर घुमाया तो ये खुल गया, बट अंदर से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा निकला है ये। एक्चुअली मैं मेटल पीस से जो ख़राब हो चुका है अंदर अभी भी बहुत सारा है, तो अभी हम लोग इसको वाटर जेट से क्लीन कर देंगे। टैंक टेल तो इसमें लग चुका है बट साइड पैनल एक ही साइड का लगा है, बाकी का जो है कल इंस्टॉल होगा, क्योंकि वो चेसिस से काम पहले कराएंगे हम लोग वेल्डिंग का, जो भी अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से होगा तो अच्छा, वरना बत्ती से कराना पड़ेगा यानी गैस वेल्डिंग से कराना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से करने की एक बार ट्राई करेंगे खुद से, तो आज हो जाएगा तो कर देंगे, वरना फिर कल ही जो है कंटिन्यू होगा। एंड ये बाइक का भी अंडर बेली हम लोगों ने फिट कर दिया है, जो क्लैम्प फिट करना था, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें मेन क्या हो गया कि अपना टर्निंग रेडियस का काम हो चुका है कंप्लीट, यानी USD एकदम प्रॉपर 100% वर्किंग है एज वेल एज यूजेबल हो चुका है 100%, मतलब ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं ये लगेगा कि USD डाला है तो थोड़ा सा टर्निंग में इशू आ रहा है, कोई भी माइनर इशू तक नहीं है। और ये वाला भी आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली हम लोगों ने फिट कर दिया ये, एंड यहाँ पे जो गैप देख रहे हैं इसका भी अभी हम लोग FRP से फिल कर देंगे, ये भी FRP से बना देंगे, सेम गोज देयर, हल्का से इधर भी गैप जो है बच जाएगा। तो ये बाइक का तो आज हम लोग फिटिंग नहीं कर रहे कंप्लीट, भावनगर से जो बाइक आई है, एक्चुअली में ये वाला साइड का भी हम लोगों ने लगा दिया है बट फाइनलाइज नहीं किया है इसको, क्योंकि जब तक वो गैस बत्ती से हम लोग करा नहीं लेंगे ना चेसिस का काम, तब तक आगे उसको नहीं बढ़ाएंगे, और ये करना ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया तो और रस्ट होगा एंड देन थोड़ा डेंजरस हो सकता है वो चीज़, क्योंकि अपना जो GPI VPI सब इसी से जॉइंट है, तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो उसको एकदम प्रॉपरली करेंगे उसके बाद ही बाइक को रेडी करेंगे। तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया है, और एंड इसमें हम लोगों ने ना अलग टेल लगाया है, ये टेल खाली हम लोगों ने ऐसे ही देखने के लिए लगाया कि किस तरीके से दिखती है, बट बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रही है, बहुत बड़ी दिखती है टेल। एक्चुअली में जो V3 में लगती है वो वाली टेल है, और V3 में भी अच्छी नहीं लगती है, तो ये तो फिर तो V2 ही है, क्योंकि टैंक का हाइट भी बहुत कम है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही वो। और वही टेल लगाएंगे जो अपने हमेशा लगाते हैं, जैसा उसमें लगाया अपन ने, वही वाला टेल इसमें भी लगाएंगे। और साइड पैनल भी लग चुका है, अंडर बेली भी लग चुका है, बाइक को एक बार अच्छे से वॉश कर लिए ताकि कि धूल वूल जो भी लगाओ ग्राइंडिंग गन से वो साफ़ हो जाए। और इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो पैनल हमेशा बनाते थे, इस बार ट्राई करेंगे कि वो पैनल ना दो पीस में ना रहे, इसी के साथ फ्लश कर देंगे, ताकि कि मतलब पीछे से FRP मार देंगे तो एक ही पैनल जैसा लगेगा, दो तीन पैनल ऐसा अलग स्क्रू मारो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है वो चीज़, तो वो चीज़ को अभी करेंगे। एंड वो अगले ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि वापस से अपने जो है फैब्रिकेशन का काम करेंगे, टैंक खोलेंगे, टैंक में जो अपने यहाँ पे खड्डा कर दिए इसको भी टेप मार के पीछे से फाइबर मार देंगे, तो एकदम ऐसा कर्व हो जाएगा, और जो अपना टर्निंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुका है, गाड़ी एकदम प्रॉपर टर्न ले रही है अच्छे से, कोई इशू नहीं है उसमें। ब्रेक्स में भी अभी कैलिबर लगाना है, यानी कल के वीडियो में देखोगे कि हम लोग इस बाइक को चलाएंगे एंड छोटे मोटे जो हर्डल्स है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो FRP का काम है वो करेंगे एंड देन वी विल फाइनलाइज द बाइक, और बाइक का फिर जो है ना पूरा पार्ट्स पेंट में जाएगा। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा अलग किया है ताकि कि एकदम एक भी जगह ऐसा माइनर भी लगे ना कि कहीं से छूट गया है, कि इसलिए पहले फिटिंग करके चलाएंगे फिर पेंट में देंगे। पहले क्या होता था, खाली होल करके पेंट में देते थे, फिर फिटिंग के टाइम थोड़े बहुत इशूज़ आते थे, उसके अंदर सबको मैंने लास्ट वीडियो बताया कि पेंट जो है ना पील ऑफ हो जाता था कभी कभी, बट इस बार प्रॉपर वाइजर सबका होल करेंगे फिर ही पेंट में देंगे, तो होगा क्या कि सिर्फ इंस्टॉलेशन रहेगा और वो काम थोड़ा सा इजी भी रहेगा और सेफ भी। तो गाइस यही था आज का कंप्लीट वीडियो, एंड लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड किया था R15 V2 V1 के ऊपर, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड उसकी मैं कंप्लीट बिल्ड वीडियो लाऊंगा जब हम लोग ने बाइक खोलना स्टार्ट किया था, एंड जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स है एक परफेक्ट 10 मिनट्स का वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग बाइक को स्टॉक से R1M में बिल्ड किए, और आई होप आप वो भी आप लोग को पसंद आएगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट।